मेरा बेटा जग्गू रो रहा है, क्यों रो रहा है? अरे मैं पूछता हूँ, रो क्यों रहा है? 1.5 महीना पहले त्रिलोक सिंह ने मुझे जेल भिजवाया था, तू हंस रहा था। गधे के बच्चे, आज तेरा बाप जेल से बाहर निकला है, तू रो रहा क्यों रो रहा है? मेरी बहन विधवा हो गई, मुझे जेल भेजने वाला त्रिलोक सिंह परलोक सिधार गया। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? जायदाद का क्या होगा? जायदाद का क्या होगा? मैं जो हूँ वो तुम्हें घर में घुसने को नहीं देंगे। अरे घुसने कैसे नहीं देंगे? हिंदुस्तान की पतिव्रता औरतें बड़ी बेवकूफ होती हैं, और मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। अभी शराफत और पछतावे का नाटक मुझे करने दे, तू रोना बंद कर और देख अब तेरा बाप कैसे रोता है। बहन, भगवान ने मेरे गुनाहों की सजा तुम्हें क्यों दी? मुझे इस दुनिया से उठा लिया होता, मुझे से शैतान की भला दुनिया में क्या जरूरत थी? मैंने अपने देवता समान जीजा जी और देवी समान बहन को धोखा दिया, उनके घर में चोरी। जाने दो भैया, पुराने जख्म फिर से क्यों कुरेद रहे हो? नहीं बहन, ये जख्म तो सदा हरे रहेंगे। ओ भगवान, मुझे इस दुनिया से उठा, मुझे इस दुनिया से उठा ले। नहीं बहन, मैं जाता हूँ दुनिया की ठोकरें खाने के लिए। सुनो, अगर तुम्हारे घर में किसी नौकर की जरूरत हो तो मेरे इस बच्चे को रख लो, ये भला कहाँ कहाँ मेरे साथ ठोकरें खाता फिरेगा। कैसी बातें कर रहे हो भैया, ये मासूम तो मेरे बेटे जैसा है, जैसे मेरा बिशन, ऐसे ये भी मेरा बेटा है। महान हो बहन, तुम महान हो। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ। आप नहीं जाएंगे भैया, इस बच्चे के साथ आप यहाँ रहिए, सब कुछ भूल जाइए, अब हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मैं हूँ बहन, अगर जरूरत पड़ जाए तुम्हारे चरणों को धोने के लिए मैं अपना खून बहा दूंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला। नहीं रानी माँ, मामा जी इस घर में नहीं रह सकते। बिशन के पिताजी मरते वक्त यही कह गए थे कि इनको इस हवेली में घुसने नहीं देना। नहीं बेटे, नहीं, जो अपने पाप का प्रायश्चित करता है उसे भगवान भी माफ कर देते हैं। तू क्या कहते बिशन? अगर माँ ठीक समझती है तो रहने दे। ठीक है मामा जी, हमने भी तो कम माफ किया। चल बिशन। ये जरा सा कौन है? ये बिशन का दोस्त किशन है, इसके माँ बाप नहीं है, अपनी छोटी सी जमीन में खुद अनाज उगाता है, खुद कमाता है, खुद खाता है, बड़ा खुददार लड़का है। इन दोनों की दोस्ती तो घर घर में मशहूर है। बिशन के पिताजी मरते समय बिशन खात इसी के हाथ में दे गए थे। अच्छा, याराना बहुत गहरा है। Thank you.
दूसरी बार अगर हमने दोस्त पर हाथ उठाया ना साले तेरी चमड़ी उधर दूंगा। ओ भिखमंगे अंदर घुसाया चल बाहर जा बाहर जा। आपका बेटा तेरा सिर किसने घोट दिया? अच्छा चल चल इधर 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 बोल किसने घोटा तेरा सिर? मैंने नहीं घोटा, किशन और बिशन ने मेरी हजामत की। और तू मेरा बेटा होने पर भी चुप रहा? मैं क्या करता, वो दो दिन में अकेला था। अच्छा अच्छा चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ। आज इन दोनों ने मिलकर तेरी हजामत की है, कल इनका उस तरह मेरी गर्दन आ सकता है। जगो तेरे सिर के बाल तो और आ जाएंगे लेकिन इनकी तिजोरियां जो मैं खाली करने वाला हूँ वो फिर कभी नहीं भरेगी। इस शराने को तोड़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जय हो भगवान, मेरे बिशन को बहुत बहुत तरक्की दे। भैया आप बिशन के बारे में कितना सोचते हैं? हाँ मैं बिशन की बात करने आया हूँ। क्या है भैया? बिशन की गांव की पढ़ाई अब पूरी हो गई है, उसे ज्यादा पढ़ाने के लिए किसी बड़े शहर में भेजना चाहिए। शहर में? हाँ बहन, मैं चाहता हूँ मेरा बिशन बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आदमी बने, शोहरत पाए, नाम कमाए, अपनी माँ का सहारा बने और जीजा जी की आत्मा को स्वर्ग में शांति नसीब हो। लेकिन भैया किशन के बगैर वो शहर नहीं जाएगा। ठीक है, दोनों की दोस्ती है, याराना है, ऐसा कीजिए दोनों को भेज दीजिए। आप नहीं जानते भैया, किशन बहुत खुददार लड़का है, वो भूखा रह जाएगा लेकिन किसी से मदद नहीं लेगा। लेकिन आपको तो वो माँ की तरह समझता है, आप जरा कह के देखिए तो सही। हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे माँ जी, किसान का बेटा किसान ही होना चाहिए ना। और फिर हमारे पिताजी पर महाजन बाबू का बहुत कर्जा है, वो सब हमका उतारना। जब तक हम कर्जा नहीं उतार लेते हम कहीं नहीं जाएंगे माँ जी। बेटे क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? मैं तेरा कर्जा नहीं उतार सकती। ऐसा मत बोलो माँ जी, हमने हमारे मरते पिताजी को ये वचन दिया था कि वो कर्जा हम उतारेंगे अपनी मेहनत से, अपनी जमीन में अनाज बोकर। ठीक है बेटे, तू नहीं जाएगा तो बिशन भी नहीं जाएगा। वो कैसे नहीं जाएगा? वो जरूर जाएगा, कल हमारा जन्मदिन है, हम उससे वचन ले लेंगे, वो जरूर जाएगा। आप शहर जाने की तैयारी कर लीजिए। क्या बात है, जन्मदिन पे तेरे हाथ की रोटी, वाह सारा साल अच्छा जाएगा। अरे ये तेरी आंखें क्यों लाल है? वो अंगीठी के सामने बैठा हूँ ना इसलिए। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है तो सारी रात रोया है। मैं क्यों रोऊंगा, मेरी कौन सी सास मर गई, कल सुबह पास हुआ, दोपहर में पतंगबाजी का मुकाबला जीता और आज दोनों का जन्मदिन, तीन तीन गुना खुशी के मौके पर कोई रोता है क्या? निकाल। क्या? जन्मदिन का तोहफा। मांग, क्या मांगता है, तेरे लिए तो ये जान भी हाजिर है। जो मांगूंगा वो देगा। हाँ? वादा वादा। तू शहर चला जा पढ़ने के लिए, जाएगा ना? जाऊंगा, मैं कहाँ इनकार करता हूँ, लेकिन तू भी मेरे साथ जाएगा? नहीं बिशन, मैं नहीं जा सकता, तू तो जानता है मैं मजबूर हूँ। तो मैं भी मजबूर हूँ? लेकिन अभी अभी तो तूने मुझसे वादा किया है। मैं ऐसे वादों को नहीं मानता। बस हो गया, जिंदगी में पहली बार तुझसे कुछ मांगा और तूने इनकार कर दिया, तू क्या निभाएगा जिंदगी भर दोस्ती? ऐसे मत बोल किशन, तेरी दोस्ती के लिए मैं जान तक दे सकता हूँ, तू मेरे साथ चल और उसके बाद तू जो कहेगा मैं मानूंगा। मैं नहीं चल सकता हूँ बिशन, मैं नहीं चल सकता, पिताजी को दिया वो वचन मैं कैसे तोड़ दूँ? और अगर मैं अकेले जाऊँ तो तुझे अच्छा लगेगा दोस्त? रह लूंगा, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर उसके बाद साथ ही तो रहना है, अलग थोड़ी होना है। ठीक है, मैं एक शहर पर जाऊंगा, तू मुझे छोड़ने मत आना वरना मुझसे जाया नहीं जाएगा दोस्त। नहीं आऊंगा बिशन,
मैं तेरे सामने तक नहीं आऊंगा, मैं तेरे सामने तक नहीं आऊंगा। आज से फोटो भेजे हैं अपना है? विशन भैया मुच्छी उच्छी उगा लिए हैं, पूरा अंग्रेज हो गए कपड़ा पड़ा पहन के। और लिखा था कि पढ़ाई खत्म हो गई है। अरे भैया पढ़ाई खत्म हो गई है तो वापस आ जाओ, वहां क्या करत हो? और लिखा था कि आज हमारा जन्मदिन है, तो जाना था कि तुम्हारा जन्मदिन, हमारा जन्मदिन है आज। और लिखा था कि हम ना ही आ सकत। अरे का है भैया, का है ना? कौन है भाई? बिशन यहाँ नहीं रहते। बिशन कहाँ रहता है? नहीं बिशन यहाँ नहीं रहते, यहाँ तो किशन रहते। जहाँ बिशन रहते वहाँ तो किशन जा नहीं सकते। लेकिन ये का है? ये पिस्तौल ही तो देखा था कि पिस्तौल है, लेकिन का है? तुम अगर बिशन को पकड़वा दो हम तुम्हें 1,00,000 रुपए इनाम देंगे। अरे 1,00,000 रुपया गवाह भाड़ में, हम तो बिशन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम कौन है? दोस्त कौन है? डाकू है, चोर है। ये हमारे दोस्त के बारे में ऐसे मत बोलियो। हाँ खूनी है। देखो हम मार देंगे, हम बोले देते हैं तो से। हाँ डकैत है, दाढ़ी है तुम्हारे, ओका उखाड़ ले, हम दाढ़ी उखाड़ ले। उखाड़ गई मिशन। अरे मिशन, साहब तुम लोग वो नाटक हो गया क्या? सब दाढ़ी निकल गई है। ये कौन है भाई? ये जॉनी है, मेरे ड्राइवर। अपन सबके ड्राइवर है। हाँ, वो सामान लेकर आए। ले आओ ले आओ ले आओ यहाँ ले आओ। ए बिशन, हम कहा करी, कौन समझ में नहीं आता, तुम एकदम से आएगा, हम क्या समझ में। तू एक काम कर। हाँ। तू वही कर जो हर जन्मदिन पे करता है। का? अपने हाथों से खाना खिला दे मुझे। जावो लावो पिया नदिया से सोन मछरी, पिया सोन मछरी, पिया सोन मछरी, जावो लावो पिया। अबे इडियट क्या कर रहा है, ये फोटो यहाँ क्यों लाया तू? ये मेम साहब दिया बोला इधर लगाने के वास्ते। इसे फौरन अंदर रख। साहब एक बात बोलेगा, आज तुम्हारा दोस्त बहुत मूड में दिखता है, उसको बोलो ना तुम्हारा शादी हो गया, तुम्हारा एक बच्चा पन है। पागल हो गया क्या? अगर मैंने उसे बता दिया कि चुपचाप जाके लंदन में शादी कर दी और मेरा बच्चा भी है, तो मेरा थोपड़ा फोड़ देगा जूता मार के। रख इसे अंदर। तो उसको कोई दिन तो मालूम पड़ेगा ना। मैं पहले उसे बॉम्बे ले जाकर आराम से बिठा के समझाऊंगा, समझे? ये है कि नहीं? अच्छा हाँ भैया, तुम का ठुसुर ठुसुर करा था, बहुत अच्छा बात है। बरसों की भूख मिटा दी तूने यार। अरे जावो लावो पिया नदिया से सामान कहता हूँ, तू इसे बात में लगा।
जा बोल तो। सुन मछरी जा बोल लावो पिया नदिया। मजा आ गया सर। खाया खूब। तुम ऐसा दर गर्म दिन को रोटी बना के हमारा सबको खिलाता है? अरे हमारा बस चले ना भैया, तो हम तो रोज ऐसा रोटी बना करके एक टोकरी में सजा करके बिशन को बिलाज तक देने चले जाए। लेकिन सुना बिलाज बहुत दूर है, कोनो बस भी तो नहीं जाती ना हुआ। पर तुम रोटी अच्छा बनाते सब। अरे ऐसे ऐसे थोड़ी ना बनता है। देखो भैया, दोस्ती का थोड़ा आटा लेते हैं, उसमें प्यार का पानी मिलाते हैं, फिर गूंथते हैं, फिर दिल के चूल्हे पर रख के उसको पकाते हैं, तब जा करके ऐसा रोटी बनता है। कोई मजाक है क्या? अभी तो अपना साहब तुमको 24 कलाक याद करता है। अरे 24 कलाक तुम झूठ बोलते हो। ये 24 कलाक क्या होता है? हम तो बचपन से लेकर के जवानी तक एक दूसरे की याद में बूढ़े हो गए, तुम 24 कलाक बोलते हो, ये झूठ बोलते हो तुम। सॉरी 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 क्या होता है ये? अपन का मुंह से निकल गया। निकल गया। अपन को तुम्हारा दोस्ती का मुकाबला थोड़ी करता है। मुकाबला कौन? पतंगबाजी का मुकाबला। पतंगबाजी से हमको याद आया, एक दिन भैया गाँव में पतंगबाजी का मुकाबला हो गया। कहा हो गया? मुकाबला। हाँ बीच में मत बोलो। तो मुकाबला हो गया तो आस पास के गाँव से बड़े बड़े तुर्रम खान आए। कौन आए? तुर्रम खान आया। फिर देखो बीच में बोल रहे हो तुम। हाँ तो तुर्रम खान आया तो कहने लगे, कहाँ है वो बिशन का दोस्त किशन बोला साले को। तो बिशन का नाम सुनते ही हमारे बदन में आग लग गई। कहाँ लग गई? अभी हम नहीं बोलेगा। अरे कहाँ नहीं बोलेगा भाई? अरे बोलते बोलते तुम्हारे अंदर आग लग गई। हमारे बदन में आग। देखो फिर बीच में बोल दियो तुम आए। हाँ तो आग लग गई तो हम कहा किए, ये बड़ा पतंग बनाया उसके ऊपर बिशन का नाम लिख दिए, और लिख के जो हम उड़ाया है और फिर जो अपेचा है, जो हम अपेचा है तो सद्दी हाथ में आ गए मैदान साहब। ऐसा लगा कि आकाश में कोई झाड़ू फेर दिए है, बस एक पतंग रही हवा हमार बिशन की। कभी ऐसा जाए तो कभी ऐसा। बिशन इका है इका। मन की तरह इस कैमरे में भी तेरी तस्वीर बंद करना चाहता हूँ मैं। हाँ बीच में मत बोलो। लेकिन मैं जानता हूँ बचपन से तेरा पतंगबाजी का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं तेरे लिए विलायत से एक पतंग लाया हूँ। ए भाई ये है क्या? यही तो है वो विलायती पतंग। नहीं विलायती पतंग तो ठीक है, लेकिन ये है क्या? अरे ठहर जा अभी बताता हूँ तुझे। हाँ किशन झुक जा। हाँ अरे झुक। अरे कार झुक। अरे झुक। भागता चला जाता है, खाई में गिर जाएगा। अरे खाई में गिर गया। अरे गिर गया। अरे कहाँ गया? ओ बिशन ऊपर देखो ना। तो सच में उड़ गया। ये देखा विलायती पतंग का कमाल। देख चला तू। अरे तू देख क्या रहा? चल तुझे सिखाता हूँ। नहीं नहीं ये शैतानी चक्कर है। अरे कोई शैतानी चक्कर नहीं यार, तू चल। ये बिशन मुझे हाथ मत लगाने दे। अरे पहले इसे तो उतार दे। अभी से उठा उठा पकड़ के रख। हाँ ये पहन ले। अब उठा उठा लिया। हाँ अब चल जा। बिशन 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 कुछ नहीं, तू दोस्त है ना, जा। हाँ मैं दोस्त हूँ तेरा। हाँ संभाल जा रहा हूँ। जा मैं जा रहा हूँ। जा। अरे किशन अरे उस तरफ नहीं। अरे ढूंढो उसको, किधर गया हो? कहा था तेज मत भागना। किशन किशन तू कहाँ है? अरे हम हिया है। हिया है चल चल नीचे उतर। नीचे उतर। जॉनी शट अप जॉनी। चल अंदर। उठा 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 ले। दोस्ती का नाम लेता है। दोस्त दोस्त मैं थप्पड़ मारू मुंह के ऊपर तेरे, दोस्ती के लिए इतना नहीं कर सकता तू। चल अब जा। अरे चल ससुर के नाती, तेरी वजह से दोस्त की डांट पड़ी। चल किशन किशन तू कहां है? अरे हम
किशन, मजा आया कि नहीं? हाँ, अजब बाप रे बाप, ये विलायती पतंग है विलायती। हाँ, ओ किशन देख 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 देख, मैं चली जाता मटकी भर के, तू तो है ना किशन, फोड़ दे मटकियां इनकी, नीचे चली का, चला। आवत है उड़ गई मटकी है ससुर के नाती की। स्कूल का काम करोगे कि नहीं? अबे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ नालायक। किशन ये मास्टर जी है ना? बेवकूफ, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। बहुत मारता था ना स्कूल में? अरे बचपन में हमका बहुत मारे रहा ससुरा, अब आई ठिकाने करी था। आ जाओ और मास्टर जी अपनी सड़िया लेके और वो मटकी वाली। अरे पकड़ेगी तो बहुत मारेगी वो। किशन आज हमारा जन्मदिन है, कुछ मांगेगा नहीं हमसे? अरे मांगा तो था, सुबह सुबह उठ के भगवान जी से कहा कि बिसनवा का भेज दे, तो भेज दिए ना, और क्या मांगे? अपने दोस्त को कोई तोहफा भी नहीं देगा? अरे हमारी जान हाजिर है, तू मांगना वादा। देख भैया, हमरे जाने की बात छोड़कर और कुछ भी मांग ले, अगर मुकर गया तो मरद का बच्चा ना ही। वादा? हाँ हाँ वादा। देख मैं अपने जाने की बात नहीं कर रहा, मैं तुझे अपने साथ शहर ले जाने की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं बिशन, देख मैं शहर जाकर के मैं क्या करूंगा, मैं तो जाहिल गंवार आदमी हूँ, किसी से दो बात भी नहीं कर सकता हूँ। देख भैया, हम इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं, यही खत्म हो जाएंगे। तू ऐसी बात मत कर यार, देख तेरा दोस्त बिशन विलायत गया, पढ़ लिख कर वापस आया, क्यों आया? तेरी जिंदगी बनाने के लिए। हम जानते हैं बिशन, लेकिन दोस्ती जौन है ना बहुत पवित्र है, इसको दोस्ती ही रहते हैं, इसके ऊपर पेट पैसा रोटी इसकी परछाई ना पड़े थे, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये किशन, ये जाहिल किशन, ये बिशन के ऊपर बोझ बन गया। तू मुझ पर बोझ बन गया, किशन अपने दोस्त पर बोझ बन गया। किशन मेरा दिल मेरी आत्मा मुझ पर बोझ बन सकता है, लेकिन तू कभी नहीं बन सकता। किशन तूने आज इतनी घिरी हुई इतनी घटिया बात की मुझसे, जॉनी सामान उठा। ए, ए, बिशन तू कहां जा रहा है? बात मत कर मुझसे, सामान उठा। अरे तू कहां सामान उठा रहा है? मत उसे। ए, ए, बिशन तू कहां जा रहा है? ए भाई चल, ए भाई, ए बिशन। किशन तूने आज मेरी दोस्ती के मुंह पर थप्पड़ मारा। बिशन अरे हमारा ही मतलब।
विशन। किशन। ए विशन। तो तूने फैसला कर लिया कि तू शहर नहीं जाएगा? हाँ, शहर जाके तू करेगा भी क्या? अबे बेवकूफ, समझता नहीं है? भगवान ने तुझे इतनी अच्छी आवाज दी, इतनी प्यारी आवाज दी तुझे, तू गांव में छुपा के रखना चाहता उसे? मगर कुछ नहीं, तू मेरे साथ शहर चल, सारी दुनिया तेरी आवाज सुन के झूम जाएगी, चल। अरे अरे अरे, सारे किए खराब है तो पानी फेर दिया तुमने। अरे भोलेनाथ का गाना गा के। अरे भोलेनाथ ने तो ये आइडिया दिया मुझे, तेरी आवाज जो है ना भोले बाबा की देन है ना, तू उसे गांव में छुपाना चाहता है? वो नाराज हो जाएगा तुझसे, तू मेरे साथ चल शहर चल, तू चल। अरे चल, भोले बाबा तूने मेरे दोस्त को हीरा बनाया है, मैं चाहता हूँ उसकी चमक सारी दुनिया देखे। कुछ नहीं माँ जी, पुराने दोस्त है ना, आपस में गले मिल रहे हैं। हाँ, बोला। मैं तुझे खबर देने वाला। अरे लेटे लेटे ना ही खड़े होके बात करा, खड़ा होके बात। क्या फिर गिराएगा? देखो तुझे पैदा कर दिए। अरे आज हम नहीं, ये पीट रहा है, लेकिन क्यों? तुम्हारी शादी में वो नहीं था ना, की कोशिश करा तो ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे हट जा भाभी, देखो हमारा भेजा घूम गया है, हमारे कलेजे में आग लग गई है। ये तुम हट जा भाभी, हम बोले दे रहे हैं, इसने हमसे पूछे बगैर शादी कैसे कर ली? मैं बताती हूँ भाभी, हमने आपकी बात नहीं सुननी, हमने इसकी जवानी सुननी है। ओ प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है भाभी, आप ही बोलो। ये तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे, कहते थे जब तक तुम नहीं आओगे शादी नहीं करेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी थी, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, डॉक्टरों ने कहा था वो ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, और पिताजी हमारी शादी अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अगर तुम्हें खत लिखते तो शायद बहुत देर हो जाती, अब अगर तुम समझो। नहीं भाभी, हम सब बात समझ गए हैं, हम जट गंवार आदमी भाभी, हमारी समझ में नहीं आई बात, लेकिन अब हम सब समझ गए हैं। ये मेरा यार, अरे हमसे पहले नहीं कह सकते थे की बात थी? कैसे बोलते, हमने मुंह खोला तुमने मारना शुरू कर दिया। खामखा ये हाथ हमको अपने यार पे उठाना पड़ा। अरे हमारा हाथ टूट का नहीं गया, ए बिशन कहीं लागे तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमका माफ कर दिया भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पागल है क्या, दोस्त की मार कभी लगती है? ये हमारा छोटा मुन्ना कहाँ है, हमारा छोटा बिशन? वो देख, हाय हाय हाय, आ जा, अरे आ जा चाचा के पास, आ जा भाई। तो बात ही नहीं कर रहे? तुम चाचा हो उसके, बात करवा लो उससे। हाँ हाँ, ये मुन्ना आ जा। देखो भैया, हम तो हर चाचा हैं, समझो? नहीं। अच्छा हाथ तो मिला सकत हो, चलो सलाम कर दिया। चूहा देखे हो? हमरे मुंह में एक चूहिया चूहिया दिखाई। आजा मुन्ना आजा। कैसन लगा भैया, अच्छा रहा रहा? हाय हेलो किशन। जगदीश। कौन जगदीश? अरे जग्गू भैया, अरे कैसन हो, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। याद है भैया, बचपन में हम तो का एकदम गंजा कर दे रहा है मिशनवा, याद है ना? एकदम सफा चट कर दे रहा है, याद है? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। एनीवे, मैं इनका नाम पॉलीडोर में लिखवा के आ रहा हूँ, 50,000 का चेक भी जमा करवा दिया है। इन्हें आज ही से अपना सामान ले जाकर उनके हॉस्टल में रहना होगा। ठीक है। कहाँ बोला था, कहाँ जाए, कहाँ भेज रहे हैं हमका? वो पॉलीडोर वाले है ना, इनका एक संगीत विद्यालय है, वहाँ तुम्हें भेज रहा हूँ संगीत की शिक्षा लेने के लिए, संगीत की। लेकिन काहे भैया, काहे हमका हुआ भेजा तो? हम चाहते हैं कि तुम बहुत बड़े कलाकार बन जाओ, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम फैल जाए। ना ही, हमका ये सब काम ना ही करे का है। अरे कहाँ कलाकार, कहाँ हम, तुम तो देखो भीषण भैया, तुम तो कंकर का हीरा बनाने की कोशिश कर दो, हमका ना जाएगा भैया, हमका नहीं जाएगा। किशन वो नहीं जाओगे तुम? ना ही, अंदर चलो। हाँ कहाँ? आओ अंदर। वहाँ जाएगा कहाँ, मरबो कहाँ हमका? जग्गो, 50,000 रुपए का चेक दिया है, बैंक में पैसा कहाँ है? अरे बापू, जब तक उन लोगों को मालूम होगा हम यहाँ कहाँ रहने वाले हैं।
अरे तू रुक क्यों गया, चल चल मेरे साथ चल। तू क्या डरता, मैं हूं ना, तू एक काम कर यहाँ रुक, मैं भारत जी से मिलकर आता हूँ। बाय लागो माँ जी। अरे कैसे हैं आप? माँ जी नहीं है, पुतला है। चल पुतला है ये, मैं तो समझा था कि हाथ नहीं लगा। बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, जगह खाली है, बैठ जाओ, बैठ। हे भैया, शहर में लड़की बहुत खूबसूरत होते हैं, हाँ? बहुत खतरनाक मशीन है। ए, ए, अरे देखो दूसरे जवान लड़की घुस के गई, बुड्ढी होकर बाहर निकले, कैसी मशीन है भैया ये? देखो शहर के अंदर ऐसे मशीन होता है। ए, अरे बिशन, तू तो बूढ़ा हो गया रे, किसी ने मैं तुमसे कह रहा था कि मशीन के अंदर नहीं जाने का। अरे ऐसा तुम्हारा कितना दोस्त है? एक आज काफी है, मर गया। आप बिशन साहब? नहीं नहीं नहीं, हम बिशन साहब नहीं है, हम तो किशन है, उनके दोस्त। वो तो पीछे आ रहे हैं अभी, वो हमको गांव से शहर लेकर आया है ताकि हमारे अंदर का कलाकार जो है वो बाहर निकले। वो नीचे की भयानक मशीन है ना, वो ये देखो आ गए। भारत जी, भारत जी अंदर है? जी हाँ, जी हाँ। चलिए चलिए, आप यहाँ रुकेंगे। हाँ, आप साहब का ध्यान रखेंगे, वो टेप रिकॉर्ड देना। हाँ दे दे। आप चुप रहेंगे प्लीज, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। थैंक यू। हमने कुछ कहा? थैंक यू वेरी मच। क्यों भाई जॉनी, हमने कुछ कहा? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी अच्छी जगह है। आ, आ, आ। अरे गणपति महाराज, खूबसूरत पुतला है भाई। अरे फिर किधर गया मेरा बाप? ए, मैं अगर जान आ जाए तो खड़े खड़े शादी कर ले। बाप रे, ये तो जिंदा है। कौन है तुम? अरे, अरे चोर, चोर, अरे पकड़ो, अरे क्या पकड़ो, हुआ मैडम? यहाँ कोई चोर घुसा है। चोर? हाँ उधर देखो। ए, कौन हो तुम? मैं वो हम उसका। यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, हम बताता वो, हम तुम चोर को जानते हो? वो नहीं नहीं वो ये मैं क्या कर रहे हो, बताता है कि नहीं बताता है? बोल, बता दे, पुलिस को बुला दे। बोल वो क्या हमारा वो आदमी तो हम तुम गाना सीखने का तुम्हारे तरह आया तो हम उसको फ्लैट मेरा बटन हम उसको बोला इधर मेन साहब। हम तो गा नहीं रहे, हमारी आवाज कहाँ से आ रही? हमारा बाप गाता था। ये किसकी आवाज है डैडी? मेरे दोस्त किशन की। बेटी सिर्फ जबान में गड़बड़ है, वरना ये आवाज तो सारे मुल्क में तहलका मचा सकती है। इसीलिए तो मैं आपके पास मदद लेने के लिए आया हूँ भरत जी। अगर आप जरा सी मेहनत करें, ट्रेन करें, जरा सा रियाज करें, और अगर रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड बना देना, मुझे पूरा यकीन है ये पॉप सिंगर बन सकता है। लेकिन आपके दोस्त है कहाँ? बिशन, अरे बिशन, अरे बिशन, हम तो गा नहीं रहे, हमारी आवाज कहाँ से आ रही है? तुम, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। इधर आओ। अरे आप क्या कर रही हैं? यही तो मेरा दोस्त है किशन। लेकिन आपको नहीं मालूम इसने क्या बदतमीजी की है मेरे साथ? हम बताता है, वो नीचे डाउन देयर वो एक बुड्ढी का स्टैचू है ना,
ये उसका पांव को हाथ लगाया। हम बोला वो बुड्ढी नहीं है, स्टैचू है। इधर आया तो ये ऐसा ऐसा लगा के बैठा होता, समझा ये भी स्टैचू है। मालूम क्या बोला? बोला इसके अंदर जान पड़ जाएगा ना तो अपन इसका शादी कर लेगा। आओ तुम अपनी बेटी से मिलाओ। कोमल ये है। इधर देखो, अब्दुल गोपाल फर्नांडिस, इन्हें बाथरूम में ले जाकर सोडे से घिस घिस कर नहलाओ। और नहीं। ये क्या हो रहा है अंदर? बेटी अंदर से अजीब अजीब तरह क्या बातें कर रही हो? ये देखो, ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? मैम साहब, हम उसको नहलाने लगे थे, उसने हमको नहला दिया। ये क्या क्या तुमने? तो ही कौन होते हमको नहलाने वाले? हम खुद नहीं नहा सकते क्या? हमारे गांव में तो गाय भैंस खुद ही पानी में कूद के नहा लेते हैं। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम नहाओगे कि नहीं, बोलो। नहाएंगे? जरूर नहाएंगे। हम तो दिन में दो वक्त नहाते हैं, कभी कभी तीन वक्त नहाते हैं भाई। गर्मी में चार वक्त नहाते हैं, सर्दी में तीन वक्त नहाते हैं, बरसात में 3.5 वक्त नहाते हैं। मुझे ये बकवास नहीं चाहिए, जाओ जाके नहा के आओ, जाओ। अच्छे लग रहे हो। है ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है मैम साहब, हमें जरा एक बार और खींच के नहा दीजिए, फिर देखिए हमारा शरीर एकदम सोने की तरह चमकने लगेगा। अब क्या है? बस मास्टर जी, आप जरा इन्हें पढ़ना लिखना सिखाइए। पढ़ना आवत है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा। क्योंकि हमारा हाथ पिराटिस में नहीं है ना। पिराटिस? मास्टर जी, आप जरा इनकी जबान सुधारिए, इनका तलफ्फुज बहुत ही खराब है। क्या बात करती है मैम साहब, हमारा तलफ्फुज तो गांव में सबसे बढ़िया है। जिंदगी सोज बने ताज ना होने पाए साजे, दिल जब भी बने आवाज ना होने पाए। तौबा, क्या कर रहे हो तुम? क्या ऐसे नहीं ऐसे? जिंदगी सोज बने साज ना होने पाए और साज दिल जब भी बजे आवाज न होने पाए। बराबर बराबर नहीं, तुम पढ़ो। जिंदगी सोज बने, जिंदगी नहीं जिंदगी। हाँ वही तो कहता है। जिंदगी सोज बने, जिंदगी नहीं जिंदगी। जिंदगी सोज बने जिंदगी। जिंदगी सोच बने, जब भी तुम्हारी जबान से सही नहीं निकलता। अरे कैसे नहीं निकलता जी, कमाल करते हैं आप। हमारे मुंह से जो निकलता है वो आपके मुंह से निकल सकेगा? चलिए बोलिए, हमारे पीछे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ जल्दी जल्दी बोलिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। ऐसा नहीं मास्टर जी, तनिक आंख बंद करके ध्यान और मन लगा करके बोलिए। हाँ बोलिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पापड़ कच्चा पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पापड़। सलाम साहब, ये क्या कर रहे हो? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पाचर पक्का पाचर, कच्चा पाचर कच्चा पकड़ पक्का पचर, कच्चा पकड़ पक्का पचर। सॉरी मैम साहब, कच्चा पच्चा पक्का कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा कच्चा पापा कच्चा, कच्चा पकड़ पक्का पकड़, कच्चा पकड़ पक्का पकड़, कच्चा पकड़ पक्का पकड़, कच्चा पकड़ पक्का पकड़, कच्चा पकड़ पक्का पकड़। मास्टर जी, इस बिल्डिंग के लोगों को जैसे बीमारी सी लग गई है, जिसे देखो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल रहा है। क्या बताऊं बेटी, मैं इसे पढ़ा रहा था, इसने कहा मास्टर जी जरा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते, देखा देखी उतरे शुरू हो गए, दूसरों की देखा देखी सारा शहर शुरू हो जाएगा। तुम यहाँ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? हाँ नहीं नहीं, पढ़ाने नहीं आया हूँ मैं तो, इन्हें जबान साफ करने का एक आसान तरीका सिखा रहा हूँ। ये मैं आपको गा के दिखाता हूँ, आप देखिए। सड़क पटकता पटक सड़कता गाँव, कच्चा पड़ पक्का पड़ कच्चा पड़ पक्का। जंद जिंदगी सोज क्यों मास्टर जी, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बेटे, अब जरा यहां से पढ़ो।
जिंदगी सोज बने साज ना होने भाई। क्रेजी पीपल, कच्चा पापड़ पक्का चाचर, कच्चा पापड़ पक्का चाचर, कच्चा नहीं नहीं नहीं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। यू गेट आउट फ्रॉम हियर। जी, आज कोई त्योहार है क्या? हाँ बेटी, आज का दिन हिंदुस्तानी औरत के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। आज करवा चौथ है। करवा चौथ? हाँ, आज के दिन भगवान पत्नियों की सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करता है और पत्नी अपने पति की सलामती के लिए दुआएं मांगती है। कितनी अच्छी लगूंगी ना मैं इस साड़ी में। हाँ, अभी बिशन जेवर लेकर आएगा, उसे पहनकर तो और चांद जैसी लगूंगी। जेवर नहीं आएंगे माँ, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम लोग लूट गए। मामा जी और जगदीश सब चुरा कर भाग गए। क्या? हाँ माँ, 18 साल के अंदर मामा जी ने इस घर को दीमक की तरह खोखला बना दिया। हम लोग जब लंदन में थे तो आपसे गलत सिग्नेचर करवाकर सारा माल अपने नाम कर लिया और खुद चले गए, फरार हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ माँ। तो फॉरेन पुलिस को खबर कर दीजिए ना। मैं पुलिस को खबर करना चाहता हूँ लेकिन होशियारी से, क्योंकि अगर किशन को मालूम पड़ गया तो वो संगीत नहीं सीखेगा और मेरा इतना बड़ा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। विजन, ओ विजन! तुम लोगों को मेरी कसम है, किशन के सामने कुछ मत कहना। हेलो, तुम्हारी चिट्ठी आई। अच्छा, अरे माजी पाए लागू, माजी पाए लागू। नमस्ते भाभी, नमस्ते। क्या बात है, हमारे आते ही सब लोग खामोश हो गए। हाँ बिशन, बिशन। हाँ क्या बात है, हमारे आते ही सब लोग खामोश हो गए। कुछ नहीं यार, वो हम लोग तेरे ही बारे में बातें कर रहे थे। तेरा जब पहला शो होगा ना, हम लोग उसकी पब्लिसिटी करेंगे, किस शान से करेंगे। बातें कर रहे थे कि तूने एकदम जोर से आवाज लगा दी और सब घबरा के चुप हो गए। नहीं बाबू नहीं, माना कि हम गंवार हैं लेकिन ये गंवार अपने गांव में सबसे होशियार रहा। क्या बात है बताओ। अरे भाई देख, तू खमखशक कर रहा है, मैं हंस रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ हंस तो रहा है लेकिन ये हंसी में वो बात नहीं है। मैं सच कहता हूँ, कोई बात नहीं, बस खा हमारे सर की कसम। क्यों, तेरा सर को फालतू है जो उसकी कसम खाऊं? मैं अपने सर की कसम खाता हूं बस। चलो खेलते हैं। चिड़ियाघर हम लोग गए रहे ना, चिड़ियाघर। माय गॉड, क्या हुआ बेटा? माँ बैंक वालों का खत है, वो 50,000 रुपए का चेक दिया था ना किशन की ट्रेनिंग के लिए, वो पैसा नहीं है बैंक में। ये सब क्या हो गया बेटे? तू फिकर मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मेरी जिंदगी का पहला मकसद है किशन की ट्रेनिंग पूरी हो जाए, वो कामयाब हो जाए। लेकिन ये 50,000 किशन के लिए कहाँ से आएंगे? शीला, हमारा पैसा गया, इज्जत नहीं गई, तुम फिकर मत करो, पैसे आ जाएंगे। ये वो बंदर होता ना, कैसे चलता है?
चाचा तुम मुझे छोड़ गया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता भैया, लेकिन का करूं? कुछ करो ना। हाँ ठीक है, हम भी जाके कुछ ऐसा करते हैं कि वो लोग हमको निकाल ही दें। यहाँ खड़ा था ना, उसने किसी को फिर उसके ऊपर एक फिर उसके ऊपर दूसरा गिरा। सीखेगा मेरे दोस्त, जरूर सीखेगा, तो मेरा ख्वाब पूरा करेगा दोस्त। आप घर में हैं? मैं आदाब सर विशन साहब, आइए आइए सेठ जी आइए। नमस्ते सेठ जी। नमस्कार, आइए आइए सेठ जी, क्या पीजिएगा? चाय वाय कुछ नहीं। आइए सेठ जी, तशरीफ रखिए, बैठिए। हमें तो बड़ी हैरानगी हो रही थी विशन बाबू कि आपने स्टैम्प पेपर्स के साथ हमें बुलवाया। हमने सोचा कहीं वो 50,000 रुपए वाला मामला तो नहीं। हम तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपके पूरे खानदान को पहचानते हैं। देखिए शर्मिंदा मत कीजिएगा हमें। नहीं सेठ जी, वो बात नहीं, दरअसल मुझे कुछ और पैसे चाहिए। हाँ मैं अपने एक अजीज दोस्त को सिंगर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सिंगर, और मैं चाहता हूँ कि उसका पहला प्रोग्राम, उसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है वो नेताजी सुभाष स्टेडियम में हो। इतने बड़े स्टेडियम में, और वो भी पहली बार, लाखों का खर्चा है। और अगर प्रोग्राम खराब हो गया बिशन बाबू तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। हाँ। ऐसे नहीं होगा सेठ जी, कभी नहीं होगा। मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एक बार ही प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसके बाद वो सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा सेठ जी। लेकिन बिशन जी इतना पैसा, इसलिए मैंने आपको स्टैम्प पेपर के साथ बुलाया। सेठ जी ये मेरे घर के कागजात हैं, और ये उस जहाज की जिसका मैं मालिक हूं। आप लोग ये दोनों चीजें अपने पास गिरवी रख लीजिए, और इनके बदले मुझे पैसे दे दीजिए सेठ जी। अजी घर तो ठीक है, लेकिन इनके जहाज के बिजनेस के बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं जानता हूं सेठ जी, जब तक मैं आपका कर्जा अदा नहीं करूंगा मैं उस जहाज पर मालिक नहीं, आपका नौकर बनकर रहूंगा, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो। अरे बिशन बाबू, हम लोगों को आप पर पूरा भरोसा है, बिशन बाबू पूरा भरोसा है। थैंक यू सेठ जी।
कागजात बताइए कहां साइन करना मुझे। शीला ये क्या कर दिया आपने, घर जहां सब कुछ गिरवी रख दिया। शीला गिरवी तो रखा है, बेचा तो नहीं, और पैसा आएगा तो फिर छुड़ा लेंगे। तुम फिक्र कैसे छुड़ाएंगे, कहां से आएंगे पैसे। आपको तो सिर्फ आपके दोस्त की फिक्र है, उसे नाम दिलाने की फिक्र है, हमारी कोई फिक्र नहीं। कल मुन्ना पढ़ाई कहां से करेगा, किसके सामने हाथ फैलाएगा। उस दिन की नौबत नहीं आएगी, उसका बाप उसका चाचा किशन अभी जिंदा। वक्त निकल जाने पर कोई चाचा मामा नहीं है। शीला दूर क्यों जाते हैं, अपने ही मामा को देखिए, क्या सलूक किया उन्होंने आपके साथ। सारी जिंदगी इस घर के टुकड़ों पर पलते रहे और आखिर में इसी घर को लूट कर चले गए। मेरे दोस्त का नाम उन लोगों के साथ मत लो, वो इस काबिल नहीं। शीला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शीला, लेकिन भगवान के लिए मेरी और किशन की दोस्ती के बीच अपने प्यार को कभी लाने की कोशिश मत करना शीला। तो क्या होगा, दोस्ती मेरे प्यार का गला घोट देगी, यही ना। मैं जानती थी। तुम कुछ नहीं जानती शीला, जिस दिन तुम मेरे किशन को समझ जाओगी कभी शिकायत नहीं करोगी। लो बिशन साहब आ गए। नमस्ते भारत जी। जनाब आप ले जाइए अपने किशन को, आपकी वजह से हम उसकी बहुत सी बदतमीजियां बर्दाश्त कर गए, मगर अब बर्दाश्त नहीं होती। उसकी आवाज जरूर अच्छी है लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं है, बिल्कुल जंगली है, जानवर है। साहब आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद उससे बात करूंगा। कोई मौका नहीं दे सकता। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भारत जी। बिशन ये क्या कर रहा है, अरे हाथ मत जोड़, इनके सामने हाथ नहीं जोड़ने का। ये तो उल्टे सीधे लोग हैं, मुझसे भी उल्टा सीधा काम करवाते रहते हैं, ना जाने मेरे बारे में क्या सोच रखा है इन्होंने। और बिशन तूने भी मेरे बारे में क्या सोच रखा है, मैं तो मुझे देखना है मैंने तेरे बारे में क्या सोचा। लेकिन चल मेरे साथ बिशन। देख इसे, देख ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम, यही है मेरा ख्वाब जो मैंने तेरे लिए देखा था। मैंने चाहा था कि सारा हिंदुस्तान तेरी आवाज के जादू से झूम उठे, तो बहुत बड़ा सिंगर बने, ये मेरा ख्वाब था किशन। मगर तू नहीं चाहता मुझे खुशी मिले ना, चल जा अपना सामान ले जा। बिशन, बिशन तेरी आंखों में आंसू, तू जा तो सामान ला जा। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है। तुम अभी तक गए नहीं, मैं तुम्हें आज मारिए और मारिए, जितना चाहे मारिए, सजा दे दीजिए। कोमल जी हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे कोमल जी, लेकिन आप वो हमारा दोस्त है, उसे मना लीजिए कोमल जी। हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं कोमल जी, हमारा कोई नहीं है, वही सब कुछ है हमारा, हमारा माँ, हमारा बाप, हमारा भाई, उस सब कुछ वही है। हमारे कारण आज उसके आंख में आंसू आ गया कोमल जी, उससे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप उसको हमको Wow.
मैंने किशन आज तो कमाल हो गया, आज तक ये स्टेडियम कभी फुल नहीं हुआ। थैंक यू हाउस फुल, क्या लोग टिकट के लिए लड़ रहे हैं। मर्जी नेता का फोन आ, भाई प्लीज बंद कीजिए। नहीं नहीं कोई जगह नहीं है। लो भाई साहब टिकट मिल सकती है, लेकिन बिल्कुल प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो शीला, मैं जूली बोल रही हूँ। जूली, अच्छा तो अपने बचपन की सहेली को भूल गई। अरे जूली, हाँ कैसी हो, कहाँ से बोल रही हो? स्टेडियम के बाहर से, जहाँ तेरा देवर गाने वाला है। देख तू तो लंदन जाकर मुझे भूल गई ना। चलो ठीक है, मैं तुझे माफ कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है, अगर दो टिकटों का इंतजाम हो जाए तो। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, और आइंदा उस आदमी का जिक्र मेरे सामने नहीं करना। शीला, लेकिन मैंने तो सुना था कि किशन तुम्हारे पति का अच्छा दोस्त है। दुश्मन है, और मेरी परेशानी की वजह। I'm sorry. मम्मी मुझे किशन चाचा का गाना सुनाइए। नहीं, कहा ना तुझे? प्लीज मम्मी, चल अंदर। मम्मी बहू, मम्मी बहू, बहू और किस पेपर पर साइन करना मुझे? भाई प्लीज माफ कीजिए, किशन कहाँ है? किशन तुम्हें बताया ना किसी ने, फोन आया था, वो नहीं आ सकेंगे। शीला, शीला मेन साहब चली गई, साथ में मुन्ना को भी ले गई। तुमने जाने क्यों दिया उसे, रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत रोका, हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, फिर भी नहीं माने। बेटे बेटे सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों बार बार हम पर मुसीबतें आ रही है? तू मत रो माँ, तुझे देखकर मुझे हिम्मत मिलती है माँ। अगर तू इस तरह रोएगी तो मेरी हिम्मत भी टूट जाएगी माँ। तुम मत रो माँ, मैं गाना नहीं गा सकता। गाना नहीं गा सकता? नहीं। लेकिन इतने सारे टिकट बिक चुके हैं। नहीं, मैं गाना नहीं गा सकता। लेकिन बेटे तू मेरी बात तो सुन। नहीं, मैं विशन के बगैर मैं नहीं गा सकता, मैं बिल्कुल नहीं गा सकता। किशन तुम घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, हम सब लोग यहाँ पर हैं। मैं नहीं गा सकता, मैंने कहा मैं नहीं गा सकता। किशन सुनो, जल्दी से कोमल को बुलाओ। किशन, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम नहीं गाओगे? हाँ आप ठीक सुन रही हैं, मैं इतने हजारों लोगों के सामने, उनकी घुटती हुई आंखों के सामने मैं नहीं गा पाऊंगा। बिशन बिशन होता तो मैं फिर भी हिम्मत कर लेता, लेकिन बिशन तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है। हाँ और कौन है मेरा? मैं कुछ नहीं, मेरे लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह नहीं। आपके बहुत से एहसान है मुझ पर कोमल जी। एहसान? प्यार को एहसान कह के उसे गाली मत दो। हाँ हाँ मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन तुमने सिर्फ दोस्ती की परवाह की है। प्यार की कदर तुम क्या जानो, तुम गवार आए थे और आज भी गवार हो। मैंने सोचा था प्रोग्राम के बाद जब सब लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे होंगे तो मैं भाग कर आऊंगी और कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू, मगर तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। नफरत करती हूँ तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ।
किशन 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 मेरे यार, ये क्या कर दिया तूने? एक गांव वाले से क्या बना दिया तूने मुझे? मैंने कुछ नहीं बनाया, तेरी मेहनत ने बनाया तुझे। तू हीरा है हीरा। मिस्टर किशन, अब आपका क्या इरादा है? मेरा वही इरादा है जो मेरे दोस्त किशन का है। किशन जी, आपको गाने का शौक कब से पैदा हुआ? गाने का शौक मुझे तब से पैदा हुआ जब मेरे दोस्त किशन ने मुझे गाने का एहसास दिलाया। सुना है किशन को बनाने के लिए आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफें तो उठानी पड़ती है, बट इज वर्थ इट। वैसे मेरी बात सुन लो बच्चों। मेरा नाम मैरी है, मैं इन बच्चों की गवर्नेंस हूँ। आप इन बच्चों की गवर्नेंस थी, अब इन बच्चों की गवर्नेंस मैं हूँ। मेरा मतलब गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये बात है। समंदर से मछलियां उठ के भाग जाएंगी, समंदर का पानी खाली हो
रुको। Let me check this course. कौन हो तुम और बगैर इजाजत के मेरे कैबिन में कैसे आए? तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे जहाज पे आए? खबरदार! जहाज पर हर आदमी, यहाँ तक कि सेठों के बच्चे भी गन पॉइंट पर है। अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो हम एक एक बच्चे को मारकर समंदर में फेंकते जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कर सकते हैं भांजे, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर तुम बच्चों की सलामती चाहते हो तो जैसा हम कहें वैसा ही करते चलो। मैंने जिंदगी में बहुत नीच कमीने एहसान फरामोश देखे, लेकिन तुम लोगों जैसा कोई नहीं देखा। अभी तुमने देखा ही क्या है, शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने मेरा सर मुड़वाया था। बरखुर्दा, तुम समझते क्यों नहीं हो, जहाज और बच्चे हम अगवा करेंगे और नाम तुम्हारा होगा। ये खबर सुनकर किशन तड़प उठेगा, उस बेचारे से गाया नहीं जाएगा, सेठ लोग उस पर केस कर देंगे, उसे जेल भिजवा देंगे। दुनिया वाले ये सोचेंगे कि तुम सेठ लोगों का पैसा नहीं लौटा सके, इसलिए तुमने उनका ये जहाज और उनके बच्चे अगवा कर लिए हैं। पुलिस तुम्हारा पीछा करेगी, लेकिन तुम पुलिस के हाथ नहीं आओगे। तुम्हारा नाम पुलिस की डायरी में चोरों और डाकुओं की लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा जाएगा, और तब हम दुनिया वालों के सामने जाएंगे और कहेंगे कि हमें भी भिशन ने अगवा किया था, दौलत और जेवरात की चोरी का इल्जाम लगवाया था, लेकिन हम उसके हाथों से बच निकले। तब हम समाज में इज्जतदार इंसानों की तरह खुलेआम घूमेंगे, लेकिन तुम, तुम्हारा घर, तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। रमेले, रुक जा। इसी तरह शिप पर एक एक आदमी मार दिया जाएगा। और दूसरा नंबर है तुम्हारे वफादार ड्राइवर का। नहीं, जो तुम कहोगे मैं करूंगा, इसे मत मार। चलो चलो मेरे साथ, चलो। चलो अंदर चलो। हाँ बच्चों, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, तुम अंदर नहीं जाओगे। सुनो, इन्हें उस कोठरी में बंद कर दो। चलो चलो। नहीं, मैं कोई खत नहीं लिखूंगा, मैं कोई खत नहीं लिखूंगा। सुना तुमने? कोई खत नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। सुन ले, मैं नहीं लिखूंगा। सुन ले, तू जान से मार डाल मुझे, मैं कोई खत नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा मैं खत, मैं नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। छोड़ो मुझे, तुम लोग सब पागल हो गए, वैश्य हो गए। सुना, मैं नहीं लिखूंगा, मैं कोई खत नहीं लिखूंगा। सुनो, मारो इसे और अच्छी तरह मारो। मैं जानता हूं हरामजादा बहुत जिद्दी है, आसानी से नहीं मानेगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तेरी आंखों के सामने लटका लटका के मारूंगा, और उसकी माँ तुम्हें तू होगा, उसकी माँ तुम्हें तू होगा, तू होगा, तू होगा। नहीं, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा।
राजू भैया को क्या हुआ? बताओ ना राजू भैया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ राजू भैया को, कुछ नहीं हुआ, चुप रहो, कोई आवाज ना करे, चलो चुपचाप वहां बैठो, चलो चुपचाप वहां बैठो। हमने क्या गुनाह किया था? वक्त पर आपको पैसे दिए थे, हमने आपकी मदद की थी, बताइए कहाँ है हमारे बच्चे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। आपको सब कुछ मालूम है, आप हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चे कहाँ हैं? झूठ बता कर रहे हैं, हमारा काम है, पुलिस का काम है, हम मिशन की माँ और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर रहे हैं, उससे मालूम हो जाएगा सच झूठ क्या है। आप खामोश रहिए, पीछे रहिए, शांत रहिए आप लोग, पीछे जाओ। खबरदार, मेरी मां और भाभी को हाथ लगाया तो। हाँ, ये काम मिशन और मैंने किया है, जहां सवारी कब्जे में, और वो इन सेटों की वजह से, क्योंकि हम इनके गुलाम नहीं बनना चाहते। अगर तुमने पुलिस को जरा भी गलत बोला तो तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए जेल में सड़ता रहेगा, और मैं इन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, मिशन का फोन है। हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने उन सबको किडनैप किया। मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है? मिशन, नहीं तू ऐसा नहीं कर सकते मेरे यार, तू ऐसा नहीं कर सकते मिशन, तू किसी के दबाव में बोल रहा है, मैं जानता हूँ तू किसी के। मैंने उन सब बच्चों को किडनैप किया है। मेरी बात सुनो मेरे यार, अगर तो किसी के दबाव में बोल रहा है तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, मैं समझ जाऊंगा। बोलो। ए, चुप क्यों? बोलो। हेलो हेलो, मैं कपूर बोल रहा हूं। मैंने सब कुछ पैसे के लिए किया, अभी पैसा मुझे नहीं मिलेगा, सब कुछ जान से मार डालूंगा। धनु, तुम यहां क्या कर रहे हो? मिशन साहब को कैसे भी यहां से ले जाओ, तुम हमारी बिल्कुल फिक्र मत करो। हम जॉनी, तुम्हारा जॉनी साहब, तुम्हारा जॉनी साहब तुमको लेके जाएगा, तुम कल नहीं पहचानता हमको, हम तुमको लेके जाएगा, चलो हमारे साथ, हम तुमको लेके जाएगा। पहचानता नहीं, क्या तुम चिल्लाएगा? नहीं चिल्लाएगा तो मेरे बच्चा को मार डालेगा, नहीं चिल्लाएगा, हमारे बात मानेगा, जैसा हम बोलेगा वैसा करेगा, नहीं चलाएगा ना, बिल्कुल नहीं चलाएगा, नहीं ना। कब तो, कब चलो, कब चलो, आज निकलेगा। जाकू, जूलियन, जल्दी से बाहर आ जाओ, मिशन भाग गया, तुम लोग उसका उधर से पीछा करो, जाओ जल्दी से जाओ। माई, वो सबको मार डालेगा, बचाओ इसको। ये कैसा हुआ? माई, तुम इसको जॉनी का नाम तो पागलखाने में डालो, हम जाते हैं।
एक औरत खिड़की के पीछे से झांक रही थी। जानी, जानी, सब क्या हो गया? किशन, उस रात जो औरत तुमसे मिलने आई थी, उसकी फोटो। तो जॉनी की माँ है, कहाँ गए उन्हें? रुक जा बुढ़िया, रुक जा। थोड़ा ही मत, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चलिए। किशन, किशन सर, मैं जॉनी माँ हूँ। कहाँ जॉनी? जॉनी कहाँ है? हाँ बोलिए। पागल, खाने में। पागल। मरने से पहले जॉनी की माँ ने तुमसे क्या कहा? किशन, मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था ना, तू लंदन चला गया, मैंने सोचा मैं थोड़ी नींद मार लेता हूँ, आएगा तो जाग जाऊंगा। किशन, तू मेरे लिए बोंगो लाया? बोंगो, ढोल का तो रिवाज ही खत्म हो गया है आजकल, तबला बजाओ तो ऐसे लगता है तबेला बज रहा है। मिस्टर किशन, मेरा सुर काली पांच है, हारमोनियम का काला पांच दबाया तो मोटर लॉन्च की टूटी कांच बच गई ऐसा लगता है। क्या बकवास है? तू किशन, मैं किशन, तू लिखेगा गीत, मैं दूंगा संगीत, हम दोनों मिलकर लगाएंगे एग्जीबिशन, लोग छोड़कर अपना रेशन, ठुकरा कर अपना प्रमोशन, हमारे गीत से लेंगे इंस्पिरेशन। थैंकिंग यू मिस्टर। मिस्टर का मर्डर हो गया, मर्डर का मिस्टर हो गया, दोनों मिला के मर्डर मिस्टर हो गया। बेचार मिशन, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू हड्डी में गोश्त हूँ, तेरा मेरा साथ है, मौत की बात है, दुश्मन की गर्दन मेरे हाथ है, ये उसकी खोपड़ी, ये मेरी लाश है। सुर में, ताल में, बंबई में, भोपाल में, कलकत्ता में, नेपाल में, अमीर में, कंगाल में, तक चुम चुम, तक चुम चुम, तक चुम। इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज, आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, इसे पागलखाने ले जाओ। किशन कुमार, यहाँ कैसे? डॉक्टर, क्या हुआ इसे? All of a sudden he lost mental balance and started getting fits. पुलिस का कहना है कि अचानक चीखने चिल्लाने लगा और पागल हो गया। ओ डॉक्टर। पिंटो। यस। इसे मेरे कमरे में ले आओ। बहुत अच्छा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर था और चला गया, और चला गया तो दिल के साथ घर भी टूट गया, टूट गया। हम तुम्हारा घर फिर से बना देंगे, मैं तुम्हारी बहन हूं ना। लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम राखी बांधोगे तुम्हें क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम शरारत मत करना, मैं समझूंगी कि मुझे सब कुछ मिल गया। बॉल, बॉल, बॉल,
बोलिंग बोलिंग ओके रेडी 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 सब लोग रेडी हाँ अब जज गिडेन से दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर एंडी रॉबर्ट्स बॉल फेंकने वाले हैं जॉनी को जॉनी बल्ला लिए तैयार खड़े हैं एंडी रॉबर्ट्स चले उन्होंने दौड़ना शुरू किया उधरते हुए आए उन्हें बॉल फेंकी और जॉनी ने बॉल को बाद दी जॉनी ने बॉल जॉनी बॉल की तरफ सारे प्लेयर बॉल की तरफ भाग रहे हैं जॉनी ने एक दो तीन नहीं ये तो छक्का है छक्का नहीं ये तो स्टेडियम से बाहर चली गई बॉल जॉनी ने एक बॉल में 100 रन बना दिए तुमने शरारत की हाँ तुमने फिर शरारत की ना मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी नहीं मुझे छोड़ के मत जाना मैंने कोई शरारत नहीं की मैंने कोई शरारत नहीं की वो जॉनी है ना जॉनी ने सिक्सर मारा मैं तो बॉल पकड़ने गया था बॉल अगर स्टेडियम के बाहर चला जाता ना तो मैच बंद हो जाता तो लोग सब कुर्सियां तोड़ने लगते तो मुझे छोड़ के मत जाना छोड़ दो इसे अब मेरा दूसरा बेटा भी मुझसे छीन लिया गया ऐसे नहीं हो सकता इस घर का सुख खरीदने के लिए किसी ने अपने आप को बेच डाला वो अपने आप को बेच डाला वो इस घर में नहीं आएगा कभी नहीं आएगा मामा हूं ना हाँ? बोलो बेटा शीला उन्ना अपनी याददाश्त खो बैठा है नहीं। हाँ मेरी बहन सिर्फ एक ही आदमी है किशन जो इसे ठीक कर सकता है नहीं भैया मैं उसे नहीं बुला सकती मैं कितने एहसान लूं मैं उसे नहीं बुला सकती भैया माँ जी आप ही ने समझाइए हेलो जोनी मैं शीला बोल रही हूँ मेरे मुन्ने का एक्सीडेंट हो गया है क्या उसकी हालत बहुत खराब है डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता वो किसी को पहचानता नहीं मुझे तक भी नहीं पहचानता लेकिन मुन्ने को किशन ठीक कर सकता है किसी तरह मेरे मुन्ने को उसके सामने ले जाओ लेकिन उसे ये नहीं पता उसके भाभी की और माँ की हालत क्या है प्लीज जूनी ये नाटक कर ले हाँ मैं कोशिश करती हूँ मेरे मुन्ने को ठीक कर दे नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाए मैं मर जाऊंगी जूनी मैं मर जाऊंगी आई प्रॉमिस कुछ करती हूँ किसका फोन था किसी का नहीं बोलो ना मेरे बेटे का क्या हुआ उसे वो नहीं सकता इलाज नहीं कराया उसका बहुत कराया बड़े बड़े डॉक्टर मंदिर मस्जिद चर्च दरगाह सब जगह ले गए उसे कहीं कुछ नहीं हुआ डॉक्टर ने बताया कि किशन कुमार की आवाज से ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ सकती है वही उसे अच्छा भी कर सकता है उस सहारे को मैंने बहुत तलाश किया नहीं मिला और जब मिला तो वो खुद अपने आप को खो चुका था रो मत बहन दुआ करो किशन और तेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सहारा है दुआ
अपने बेटे को ले आ, मैं किशन को लेकर आता हूं। शायद उस मासूम दिल की दुआ ही कुछ रंग लाए। मुन्ने सिस्टर, सिस्टर बच्चे को ले जाओ, जॉनी को फिर से दौरा पड़ गया है। यस डॉक्टर, चलो। सिस्टर, तुम तो कह रहे थे कि सब पेशेंट्स बाहर गए हुए, फिर जॉनी अंदर कैसे रह गया? वो किसी इंसान या रोशनी की तरफ देखकर एकदम बिगड़ जाता है,
अगर कोई उसके करीब जाए तो हमला कर बैठता है, इसीलिए उसे अंधेरी कोठरी में जंजीरों में बांध के रखना पड़ता है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुन्ने, तेरी दुआ रंग लाए बच्चा, जिस रोशनी की तलाश में मैं ठोकर खा रहा था वो मुझे यही मिल गई, मुझे यही मिल गई। किशन, तुम पागल नहीं हो ना? नहीं बहन, मैं पागल नहीं, मैं तो यहां जॉनी की तलाश में आया हूं। जॉनी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये मत पूछो क्यों, किस लिए, बस करना है। लेकिन विश्वास रखो बहन, मैंने तुम्हें बहन कहा है, इस रिश्ते को निभाऊंगा, उस पर आंच नहीं आने दूंगा। जॉनी का पता लग गया है, जूली की मदद से रात को उससे मिल रहा हूं। कल से एक लोग पैसा लेकर उन बदमाशों के पास जा रहे हैं। कल? हाँ, अगर पैसा वहां पहुंच गया तो सब तबाह हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कोमल, तुम दुसानी के घर पहरा दो, पता करो कि कल किस वक्त पैसा लेकर वो लोग जा रहे हैं। इंतजाम हो रहा है। अरे ये लड़की, ये तो किशन की महबूबा है, चलो ले चलते हैं। हाँ ठीक है। मुझे नहीं मालूम किशन कहाँ है, मैं नहीं जानती जॉनी कौन है। हाँ डालो मुझे, चाहे मुझे जान से मार डालो। तू ये भी नहीं जानती ना कि तू कहाँ है और मैं कौन हूँ? तू मुझे सब बताएगी, तू ये भी बताएगी कि किशन कहाँ है। मैं तो यहाँ जॉनी की तलाश में आया था, यहाँ मुझे मेरा दोस्त विशन मिल गया। अब मैं सारी दुनिया को साबित कर दूंगा कि वो मुजरिम नहीं है, उसने कुछ नहीं किया डॉक्टर साहब, उसने कुछ नहीं किया। अंदर ले जाओ उसे। नहीं! अगर किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। बिछड़ जाओ। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूं, लेकिन अगर तुम दोनों में से किसी ने मुझे छूना तो मैं उसे कुछ डालूंगा। जल्दी सीधे शॉक दो। सिस्टर, मुझे ये पुलिस केस लगता है। नो डॉक्टर, नो डॉक्टर, प्लीज आप पहले भीषण को ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद बेशक पुलिस को बुलाइएगा। डॉक्टर सोचिए मत, डॉक्टर सोचिए मत, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। और फिर इन चार दीवारों में गार्ड्स के होते हुए कुछ भी नहीं होगा डॉक्टर। हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए डॉक्टर, अगर आपने हाँ नहीं की तो यही पागलखाना होगा, यही पागल होंगे,
लेकिन इनमें किशन नाम का एक पागल और पड़ जाएगा। प्लीज डॉक्टर, ठीक है सिस्टर, किशन को जिन चीजों की जरूरत है उसका इंतजाम करो। थैंक यू डॉक्टर। किशन, रो विशनवा, अरे कहाँ गवा हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, तोरे खातिर हम अपने हाथ से रोटी बनावा है, वो नहीं कहा इलो खा लो। किशन, तुम्हारा यार तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना तो फिर ये जीना बेकार है, बेकार है ये जीना। किशन, किशन, तू कहाँ चला गया? पहाड़ी इलाकों से जो सेठ लोग पैसा लेकर जाएंगे, अगर हमने उनका पीछा किया तो वो देख सकते हैं, हम पीछा नहीं करेंगे। विशन, फिक्र मत कर विशन, तेरे दुख और जॉनी की मौत बेकार नहीं जाएगी। आज शाम को ही वो दरिंदा सेठों से पैसा इकट्ठा करने आ रहा है, हम बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे। घबरा मत, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, और सुन, किशन और जॉनी के बारे में भी नहीं पूछूंगा, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं, पुलिस उन्हें खुद ब खुद ढूंढ लेगी। और मालूम है, बच्चों के करोड़पति बाप मेरे लिए करोड़ों रुपए लेके आ रहे हैं, इस उम्मीद पर कि उन्हें बच्चे जिंदा वापस मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे जिंदा कैसे मिलेंगे हैं? जबकि उन्हें तो तेरे साथ मरना है। मैं जा रहा हूं और अभी वापस आता हूं। अपने बच्चों को बचा ले भगवान, अपने बच्चों को बचा। किशन, ये
अब बच्चे हमारे हवाले कर दो। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तुम बच्चों को लो, मेरे साथ चलो। नीचे नीचे नीचे। अब हमारे बच्चे हमें लौटा दो, पैसे इन बैग्स में हैं। घबरा मत, तुम भी साथ चलो, इनको भी साथ ले लो। पैसों के लिए तुमने अपनी बहन का घर नहीं छोड़ा, ये लोग क्या लगते हैं तुम्हारे? वही नोट तुमने फेंके थे। क्यों जग्गू भैया, लगता है बचपन की हजामत भूल गए। मामा दोबारा ये हरकत मत करना, क्योंकि मैं बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाता। नर्क के दरवाजे भी बंद कर दिए कमीने, दोस्त का हिसाब इसी दुनिया में लो।
रानी के पास। किशन, किशन, वो देखिए। भगवान को नहीं, शैतान को याद कर कमी नहीं। शैतान को याद कर। किशन छोड़ दे मुझे। किशन छोड़ दे, क्या छोड़ दे? किशन छोड़ दे। किशन छोड़ दे मुझे। जान से मार डालेगा। छोड़ दे, मैं इसे जान से मार डालूंगा। कानून को अपने साथ मत किशन। नहीं, मेरे यार को इससे। किशन किशन छोड़ दे, मेरी जान की कसम छोड़ दे। पकड़ो बदमाश को।